कभी अर्थी पर लेटकर, कभी बैलगाड़ी तो कभी पुरोरा योद्धा, कभी भैंसे पर बैठकर सहित कई अन्य रूप धारण कर हर चुनाव में नामांकन कराने वाले शाहजहांपुर के वैद्य राजकिशन अब तक राष्ट्रपति से लेकर वार्ड मेंबर तक के 19 चुनाव लड़ चुके। धूमधाम से नामांकन कराकर पूरे दमखम के साथ मतदान प्रक्रिया तक चुनाव लड़ते हैं, अपना प्रचार भी स्वयं करते हैं और अंत में हार उनके हाथ लगती है। हालांकि नामांकन के समय मीडिया से बातचीत में वह हमेशा अपनी टक्कर सीधे सबसे ताकतवर प्रत्याशी से बताते हैं। पर्चा दाखिल करने से पूर्व नामांकन स्थल के बाहर किन्नरों से राखी बंधवा कर और किन्नरों के पैर छू कर आशीर्वाद दिया और कहा कि किन्नर बहनों का भाई बनकर हमेशा ख्याल रखूंगा। उन्होंने कहा कि सपा की बात नहीं करनी चाहिए, उनकी लड़ाई तो सीधे भाजपा से है। मेरी जीत इसलिए तय है क्योंकि मेरे ऊपर किन्नर बहनों का आशीर्वाद है। किन्नरों से राखी बंधवा कर नामांकन कराने वाला प्रत्याशी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किन्नर को उसका नाम जो है टिकट से खड़ा करते, इलेक्शन खड़ा कर देते हैं, वोट देके खड़ा कर देते हैं बड़े बड़े नेता लोग, लेकिन कभी दिल का रिश्ता नहीं करते हैं। एक बहन को माँ ने जन्म दिया, एक भाई को भी माँ ने जन्म दिया, एक किन्नर को भी जन्म दिया है माँ ने। आज हमने अपनी बहन माना है सबको, पूरे हिंदुस्तान की बहनें, और हर साल जब राखी बंधन आएगा हम पूरे देश की किन्नर बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए हर साल राखी जरूर, उसका भी रिश्ता हमेशा लिए रहेगा। ये किन्नर मेरी सगी बहनें हैं, इनका भी सपना होता है कि अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधे। आज तक आपने किसी नेता बस, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बस केवल टिकट दे के किन्नर को खड़ा कर देते। अरे किन्नर का दर्द देखो, उनका भी दिल होता है। उतरे हैं या विकास करेंगे और उसका नाम जो है रोजगार की बात करेंगे और जीत के, क्योंकि मेरी किन्नर बहनों का आशीर्वाद है सबके ऊपर। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।